खेलने की उम्र में अगर कोई व्यक्ति पीएचडी धारण कर ले तो उसे आप आश्चर्य कहेंगे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल का आदित्य राजेश सिंह जिसने पीएचडी धारक है और वो पीएचडी धारण किया है, और हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे कि आप बताएंगे कि किस विषय पर आपने पीएचडी की है। जी, मुझे पर्यावरण और योगा के क्षेत्र में पीएचडी मिली है। जी, कैसे आपके मन में ख्याल आया? आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि बचपन से ही आप पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे, योगा, और इसके अलावा आपने जूडो भी बेहतर खेला है, 8-8 अवार्ड से नवाजा गया है आपको। जी, मैंने अपनी दादी जी को देख के स्टार्ट किया था और मैंने उनका सपोर्ट ले लेके स्टार्ट किया था, और फिर कुछ दिनों बहुत बाद मैं खुद करने लगा। जी, क्या कहेंगे आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं स्कूल के, क्या बोलते हैं, किस तरह की बातचीत होती होगी आपको लेकर के? जी, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है मुझे अप्रिशिएट करते हैं उनको। मैं बहुत सारे न्यू चीज़ें भी बताता हूँ पर्यावरण के बारे में, और बहुत सारे उनको संदेश भी देता हूँ। ये सम्मान आपको कहाँ से मिला, ये जो पीएचडी आपने कहाँ से की, कैसे ख्याल में आया? दरअसल आप तो अभी चौथी क्लास में हैं, लोग पाँचवीं का नहीं सोचते, आठवीं का नहीं सोचते, और आपने पीएचडी कर ली। जी, मुझे मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए की तरफ से मिली है, और मुझे मेरे वर्क प्रोफाइल को देख के दिया गया क्योंकि मैं 5 ईयर्स के एज से काम कर रहा था। जी, अक्सर देखा जाता है भाई बहन का जो प्यार है, दुलार है, और विवाद भी होता है, कैसे आप लोग रहते हैं घर में, कैसे मैनेज करते हैं, इतना टैलेंटेड है ये बच्चा फिर भी? जी, हमारे बीच तो ऐसे अक्सर पर्यावरण और योग को लेकर ही बातें चलते रहती है। ये नई नई चीज़ों को रिसर्च करता है और उसके बाद उसको जो भी डाउट रहते हैं या जिसमें भी उसे कुछ नया जानना होता है तो वो फिर मेरे पास लेके आता है, और फिर मैं इसके सारे डाउट्स को क्लियर करती हूँ, इसके सारे प्रश्नों का जवाब देती हूँ। जी, क्या लगता है कि किस क्षेत्र में जाना चाहता है? दरअसल आपका छोटा भाई है तो सारी बातें भी आपसे वो करता होगा, शेयर करता होगा, क्या बनना चाहता है? ये बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहता है, और ये पर्यावरण और योग के क्षेत्र में तो काम करना ही चाहता है, साथ ही साथ ये आर्मी के लिए काम करना चाहता है साइंटिस्ट बनकर। कोई इसने क्या विषय का चयन किया है या किस विषय में करना चाहता है? जी, ये डिफेंस के क्षेत्र में साइंटिस्ट बनकर वो डिफेंस और आर्मी के जो जितने सोल्जर्स रहते हैं उनकी मदद करना चाहता है ऐसा कुछ बनाकर। जी, क्या कहेंगे, आपको कब पता चला कि आपका बच्चा इतना होनहार है, टैलेंटेड है? अमूमन बच्चों की प्रतिभा पहचान नहीं पाते हैं लोग। देखिए, हम लोग इसको वॉच कर रहे थे जब ये 5 वर्ष की आयु से था, तब इसकी रुचि पर्यावरण प्लांटेशन से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे गार्डनिंग, फिर खेतों में जाके कभी टमाटर के पौधे लगाना, कभी बैंगन को तोड़ना, और तरह तरह के सवाल पूछना, और साथ ही ये पानी के बारे में जानना, मतलब ऐसा नहीं कि पर्यावरण मतलब पौधे के बारे में, फिर वाटर के बारे में जानना, ग्लेशियर के बारे में जानना, फिर जब 2 साल जब कोविड आया बीच में तो उस समय हम लोगों को भी मौका मिला, समय मिला, तो हम लोगों ने भी इसकी रुचि को और समझा और इसको बेहतर कार्य करने के लिए हम लोगों ने इसको प्रेरित किया, क्योंकि वो समय हम लोगों ने इसको डेवलपमेंट के लिए और इसकी रुचि को ध्यान में रखकर हमने उस समय को कोविड के समय को यूटिलाइज किया। उसके बाद फिर ये निखरता गया और कुछ 2 साल पहले हम लोगों ने इसको फ्री छोड़ दिया है, या नेशनल इन्वायरमेंट कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ से बाहर भी इसको बुलाया जाता है। पिछले वर्ष इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एज अ मुख्य वक्ता और चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, जहां पूरे देश के प्रदेश से पूरे देश भारतवर्ष के विद्यार्थी और इन्वायरमेंटलिस्ट लोग आए हुए थे। अगर हम इनके अवार्डों को देख रहे थे तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन कौन कौन से ऐसे प्रमुख अवार्ड इनको मिले हैं, क्या याद है? जी, इनको अवार्ड तो बहुत सारे मिले हैं, और उसमें स्वामी प्रज्ञानंद अवार्ड एक समारोह था जो कि दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ था, और विवेक तनखा जी, और विवेक तनखा जो हैं MP से सांसद राज्यसभा के, वो थे उस समय, पिछले साल की बात है वो, और साथ में बहुत सारे भारतवर्ष के बहुत सारे संत मुनि और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग उपस्थित थे। उसमें 5 लोगों को दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसे पर्यावरण और योग के क्षेत्र में मिला था जो कि सबसे कम उम्र का था। इसके बाद के जो डॉक्टर थे जिनको मिला था वो उस सभा में, वो सीधा मतलब लगभग 40 साल का गैप था, मतलब ये 5 साल, ये लगभग 8 साल का था, 8.5 साल का, और इसके बाद जो लोग 4 लोग पाए थे उसमें न्यूनतम जो उम्र थी वो 50 वर्ष की थी। तो वहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई राष्ट्रीय लेवल स्तर पे, फिर इसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी APJ अब्दुल कलाम में SFD की तरफ से इसे प्रोत्साहित किया गया, सम्मान दिया गया, और फिर UP में, उत्तर प्रदेश में हम लोग उस समय थे तो वहाँ के स्वतंत्र देव सिंह जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसे बुला के सम्मानित किया,
और जयवीर सिंह जो वहाँ पर अपने मंत्री थे उन्होंने भी इसे सम्मानित किया। इस तरह से फिर इसे जूडो में गोल्ड मेडलिस्ट मिला CBSE के क्षेत्र में। या 7 वर्ष की आयु में हम सबको छोड़कर अकेला हम लोग सोचते थे एक बेटा है कैसे होगा, लेकिन इसकी वो रुचि इनकी टीचर जो हैं स्कूल में DPS में रेखा कटरे जी ने देखा प्रतिभा को कि ये खेल में भी अच्छा कर सकता है, तो इसने खेला और ये सोनीपत अकेला गया हरियाणा, वहाँ 10 दिन अकेला रहा अपने टीम के साथ अपने शिक्षकों के साथ, वहाँ भी इन्होंने विजय पाया और CBSE में इसने गोल्ड मेडल भी लाया है, सिल्वर मेडल भी लाया है और ये कोडिंग पे भी काम कर रहा है। कोविड के समय पे ऑनलाइन कोडिंग हम लोगों ने इसको बायजूस और 2-3 संस्थाएं थी वहाँ से इसको हम लोगों ने अटैच कराया, तो ये 4 साल से बहुत सारे गेम डेवलप भी कर रहा है, 2-3 गेम इसने खुद भी बनाया है और अभी कुछ ही दिनों में 15-20 दिनों में ये एक ऐप भी लॉन्च कर रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लॉन्च कर रहा है, और विशेष बातें आदित्य राज खुद आपको बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, एक माँ के लिए गर्व का क्षण होता है जब उसका बच्चा या तो कुछ बेहतर करे पढ़ाई के क्षेत्र में करे, लेकिन ये माँ है जो अपने बच्चे के प्रतिभा को लेकर के कितना आशान्वित है, कितना खुश है। हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे, बताएंगे कैसा लग रहा है। फिलहाल जनरली ये तो 5वीं का बच्चा है, 4थी कक्षा का बच्चा है। आज अभी कोई भी, जैसे आप इसको बोल रहे 5वीं का है, मात्र 10 साल का भी है, तो कोई इससे बड़े बच्चे भी कोई बच्चा करता है तो बहुत माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है, पर इसने इस उम्र में किया है, इससे ज़्यादा गौरव की बात हम लोग के लिए नहीं हो सकती है। मतलब हम लोग के पास शब्द नहीं है अभी कि जो इसने इतनी छोटी उम्र में कर दिया था। मतलब जो हम लोग सोचते थे कि हाँ कर रहा है, हम लोग इसको सपोर्ट करते थे, जैसे इसकी दीदी करती थी, फादर करते थे, और इसने अपनी दादी को देख करके सीखा सब चीज़ गार्डनिंग के बारे में, तो हम लोग को लगता था हाँ कर रहा है। पर इतनी जल्दी इसको इतनी सफलता मिल जाएगी इसके अभ्यास से और इसके लगन से, ये हम लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आज हम लोग आदित्य राजे सिंह के नाम से पहचाने जा रहे हैं। किसी भी माँ बाप के लिए ये सबसे बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। बताएंगे, छोटे बच्चे हैं आपके उम्र के, आपके स्कूल से बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ने में रुचि नहीं है, उनको क्या मैसेज देंगे? दूसरा, आजकल मोबाइल का जो एडिक्शन है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, मोबाइल इसलिए बनाए गए थे कि हमारे काम आए, पर आजकल लोग इतने एडिक्ट हो गए उससे कि हमें उससे नुकसान पहुंच रहा है। और मैं सभी को ये देना चाहूँगा संदेश कि मैं जहाँ पे भी बर्थडेज, एनिवर्सरीज, जितने भी स्पेशल ओकेजन्स में जाता हूँ, मैं गिफ्ट देने की जगह लोगों को पेड़ पौधे देता हूँ और उन्हें भी बोलता हूँ। तो ये मेरे अकेले करने से नहीं होगा, हम सभी को साथ मिलकर करना पड़ेगा जी। क्या आगे क्या बनना चाहते, जैसे अब दीदी बता रही थी आपकी कि आप जो सेना के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ सोचा है क्या बन सकते हैं या क्या करना है आपको? जी, मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेयर होंगे जो मिलिट्री पर्सन्स को 40-50 गोलियों से बचा सकें, तो उससे उनकी कम से कम डेथ हो। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं प्रतिभा है, साथ ही साथ देश सेवा का जज्बा भी है। ऐसे बच्चों की सख्त आवश्यकता है, हर उन लोगों को या हर उन माँ बाप को, ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी प्रतिभाओं को देखकर उनका सीना गर्व से फूल जाता है। बिल्कुल, हम आदित्य को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, और उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है, विश्व का ऐसा पहला बच्चा है जिसने 10 साल की उम्र में PhD हासिल किया है, वो भी योग के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में, ये तारीफ़ें काबिल है। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक है जो पढ़ाई से जी चुराते हैं या फिर पर्यावरण को नजरअंदाज करते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।